नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर के हुसैन कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के पहले उसने एक वीडियो भी वायरल किया और बताया कि वो ससुराल वालों से प्रताड़ित है, उसकी पत्नी मायके से वापस नहीं लौट रही और प्रताड़ित होने की वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शहर के राजनगर बाईपास सिंघाड़ी नदी क्षेत्र में स्थित हुसैन कॉलोनी में रहने वाले 26 वर्षीय युवक ने मरने से पहले एक छोटा वीडियो बनाया जिसमें अपनी आपबीती सुनाई। युवक इमरान उर्फ चांद बाबू ने लगभग एक साल पहले ही संकटमोचन पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की से प्रेम विवाह किया था, लेकिन पत्नी कुछ कारणों से मायके में थी। इस बात से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बीती शाम 6 बजे की बताई जा रही है, जब इमरान घर में अकेला था। इमरान के भाई अशरफ ने कहा कि पिछले दिनों इमरान पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं आई। इस बात से इमरान परेशान था। आत्महत्या की सूचना लगते ही पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम कराया। एएसपी विक्रम सिंह परिहार ने कहा कि पुलिस वीडियो से जुड़े बिंदुओं पर भी जांच कर रही है और जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। ये इनकी ससुराल वालों से टॉर्चर्स थी और उन्हीं की वजह से उन्होंने फांसी लगाई और उनको इंसाफ चाहिए। खत्म हो गए। अब इसके पहले कोई वीडियो वगैरह भी जारी किया था? हाँ, वीडियो भी जारी किया। क्या कह रहे हैं उसमें क्या बताया है? कि हमारे ससुराल वालों से टॉर्चर है और उनकी वजह से, बेटी और अनबार की वजह से हम फांसी लगा रहे हैं, इन्हें सख्त सजा दी जाए। हमारी मौत के जिम्मेदार हमारे ससुराल वाले हैं। ससुराल वालों ने हमें बहुत टॉर्चर करा, सुबह शाम टॉर्चर कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। हम नहीं जी सका और पूरे घर अनबार और बेटी भाई ने जीना हराम कर दो। मैंने कड़ी से कड़ी सजा मिले, कोतवाली थाना अंतर्गत एक मैसेज आया कि हुसैन नगर में रहने वाले इमरान ने फांसी लगा के अपनी मृत्यु कर ली है। इमीडिएट पुलिस फोर्स पहुंचा वहां पे और उनका ले जाके पीएम मेरा कराया गया है और अभी मर्ग भी कायम हो गया है। और जो इस वीडियो की बात कर रहे हैं, ये वायरल वीडियो किस तारीख को अपलोड किया गया या किन परिस्थितियों में बनाया गया है या किस तारीख उसने स्वयं बनाया है, ये अभी मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में आया है। इन तथ्यों की और जो भी साक्ष्य होंगे, इन सभी की हम जांच करेंगे, उस अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।